नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। कल बीएड का एग्जाम था मेरा, उससे कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे कंप्यूटर के और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसका गलत जवाब दिया है। मुझे पता भी चला, मेरे कुछ स्टूडेंट ने बीएड का भी एग्जाम दिया तो मुझे पता चला कि उसमें भी कंप्यूटर घुसा हुआ है, तो क्यों ना उसके बारे में बात की जाए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल को ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए, गूगल को जो ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई थी वो हुई थी 1998 में। अब कुछ लोगों ने 1995 लिखा है, 96 लिया है। अब इस तरह से सीरियल वाइज ऑप्शन दिया हुआ था, तो कुछ लोगों ने 1995 लिख दिया, कुछ ने 96 लिख दिया, कुछ ने 97 लिख दिया। अब 98 तक जो पहुंचा होगा उसका सही हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लिखा उनका गलत हो गया होगा। तो 1998 4 सितंबर 1998 को गूगल को लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इन दोनों लोगों ने लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दुनिया की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है कि दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर कौन थी, तो एडा लवलेस थी, ये तो पता है। लेकिन दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था, उसमें कोबोल है वो ऑप्शन दिया हुआ था। तो सब कोबोल मार रहे थे, सब जितने बीएड वाले स्टूडेंट हैं सब कोबोल मार के आए हैं सब। ठीक है, जिन्होंने बीएड की ट्यूशन की थी, बीएड की कोचिंग की थी और जिन्होंने बीएड पर पढ़ाई की थी वो सब कोबोल मार के आए हैं सब। सब कोबोल वाला गलत है। कोबोल माने होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो लॉन्चिंग होगी किसी चीज की तो डायरेक्टली बिजनेस में थोड़ी ना हो जाएगी, वो पहले बनेगा तो फिर उसको धीरे धीरे करके तब ना बिजनेस में आएगा। तो ये जो है फोरट्रान होता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। तीसरा क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी बिट्स कंटेन इन वन बाइट, माने कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो कोई को 4 मार के आए सब, कोई को 5, कुछ लोगों ने 8 भी मारा है। तो जिनका जिनका 8 पर टिक लगा हुआ है उनका सही है। ठीक है, तो ये था बीएड में आए हुए क्वेश्चंस का, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का जवाब। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।